की इंडस्ट्रीज़, कुछ फैक्ट्रीज़ या आईटी के सेक्टर में वो लोग कुछ काम करें। तो यहाँ पर अपने आप अगर हम केवल नहीं चाहते कि यहाँ के लोग नौकरी लें, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग इतने इस्टेब्लिश हो जाएं कि नौकरी दें भी, और भी कभी इंडस्ट्री कोई खोलना चाहे तो वो जनरेटर से तो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री चला नहीं सकता था, तो आज 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, नहर मिल रही है, इंडस्ट्रीज़ के लिए सिंचाई की पानी की भी बहुत आवश्यकता रहती है, तो जब तक पानी नहीं मिलता है तो इंडस्ट्री नहीं चल पाती है। तो पानी, बिजली, सड़कें, ये सब हमने आज दे दिया है। देखिए, इन सब चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करता नहीं हूँ, वो सब जो बाकी लोग हैं उनको कमेंट कर दीजिए, मैं इस विषय में बात नहीं करता हूँ। देखिए, मेरा हमेशा ये कहना है कि डेवलपमेंट तो सबसे महत्वपूर्ण है, और युवाओं के लिए रोज़गार लाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या था कि जब हम पहली बार विधायक बने थे तो यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ जगह में अगर हमको रोज़गार लाना है तो पहले उस वो कलेक्टर को ऑर्डर था, लेकिन वो नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता है तब तक वो पूरा नहीं होता है, उसको हम लोग रुकवा दिया है। जब नोटिफिकेशन नहीं होगा तो कहाँ से नाम प्रमाणित होगा। हमको अभी और अच्छे से अस्पतालों की सुविधाएँ बनानी है, हॉस्पिटल तो खुल गया है, थोड़ा सा अभी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टर यहाँ पर आ जाएँ, साथ में डभौरा बैकुंठपुर में भी अच्छे अस्पताल और हम खुलवा दें सिविल अस्पताल, तो ये सब चीज़ें हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक दिवराज सिंह जी, उनके चुनावी मुद्दों को लेकर के और चुनावों में उन्हें कैसा हौसला मिल रहा है और क्या अनुभव मिल रहे हैं, इन दोनों विषयों की चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज पर। और पहला सवाल हमारा यही कि दो बार से आप लगातार यहाँ पर विधायक हैं, सामान्य तौर पर जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में विरोध होता है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, क्या अनुभव मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई प्रत्याशी अगर दो तीन बार से होता है तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हमने अपने दो पंचवर्षीय में लोगों को केवल खुश करने का काम किया है, और जो थोड़ी बहुत लोगों की नाराज़गी रहती है तो जाके उन लोग से सुन लेते हैं, बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ भड़ास निकल जाती है, कुछ माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो निश्चित रूप से सब खुश होकर के फिर अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा आ जाते हैं। पूर्व के दिनों में आप लोगों की आपसी बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष के द्वारा उस वीडियो का भरसक चुनाव में उपयोग किया जा रहा है, उस वीडियो को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और जो लोग उसे आहत कहीं ना कहीं हो रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? देखिए, इन सब चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करता नहीं हूँ, वो सब जो बाकी लोग हैं उनको कमेंट कर दीजिए, मैं इस विषय में बात नहीं करता हूँ। और क्या चुनावी मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर के? देखिए, जो हमारे विकास के कार्य हैं, हमने जो पिछले दो पंचवर्षीय में हमने जो कॉलेजेस बनाए हैं हमारे युवाओं के लिए, हमने जो काम किए हैं, ITI बनाए हैं, दो अस्पताल बनाए हैं, सड़कों का जाल बनाया है, नहरों का जाल बनाया है, ये हमारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, और आने वाले समय पर भी हम लोग एक सिरमौर को एक विकसित विधानसभा बनाने का काम करेंगे। और एक सवाल, जब हम युवाओं के बीच में जाते हैं तो अक्सर आता है कि युवाओं में रोजगार सृजन और यहाँ सिरमौर से पलायन की एक समस्या को लेकर के सवाल उठता है, क्या भविष्य में आप विधायक बनते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे काम किए जाएंगे या टूरिज्म डेवलपमेंट को काम किया जाएगा? देखिए, मेरा हमेशा ये कहना है कि डेवलपमेंट तो सबसे महत्वपूर्ण है, और युवाओं के लिए रोज़गार लाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या था कि जब हम पहली बार विधायक बने थे तो यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ जगह में अगर हमको रोज़गार लाना है तो पहले उस जगह को इतना सक्षम बनाना होता है कि वहाँ पर लोग आकर रहना चाहें। भाई, हमारे क्षेत्र में ना सड़कें थी, ना लाइट थी, तो जो भी कभी इंडस्ट्री कोई खोलना चाहे तो वो जनरेटर से तो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री चला नहीं सकता था, तो आज 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, नहर मिल रही है, इंडस्ट्रीज़ के लिए सिंचाई की पानी की भी बहुत आवश्यकता रहती है, तो जब तक पानी नहीं मिलता है तो इंडस्ट्री नहीं चल पाती है। तो पानी, बिजली, सड़कें, ये सब हमने आज दे दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारा सिरमौर विधानसभा जुड़ गया है, इसको बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उसको भी हम लोग अपने विधानसभा से जुड़वा दें। तो क्या होगा, जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा रोड नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, लाइट का नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, जो कि लगभग अब हो चुका है, साथ में शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित हम क्या चाहते हैं, कि यहाँ के बच्चे जा कर के बाहर जाकर क्या बनते हैं, लेबर बनते हैं, चौकीदार बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, वो अपनी खुद की इंडस्ट्री लगा सकें, खुद की फैक्ट्रीज लगा सकें और यहाँ पे खुद का धंधा एस्टैब्लिश कर सके। जब हमारा युवा इतना सक्षम हो जाएगा कि वो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़, कुछ फैक्ट्रीज या आईटी के सेक्टर में वो लोग कुछ काम करें, तो यहाँ पर अपने आप अगर हम केवल नहीं चाहते कि यहाँ के लोग नौकरी लें, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग इतने एस्टैब्लिश हो जाएं कि नौकरी दें भी, और क्योंकि यहाँ खुद इंडस्ट्री भी लगाएं और यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ दें भी, और बाहर से भी लोग आएँ,
हम तो चाहते हैं कि आप पलायन जो रिवर्स पलायन कराएं, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग वहाँ से वापस आएं। तो ये ऐसा हमारा सवाल है कि 10 साल पूर्व जब आप सिरमौर में आए थे विधायक बन करके, तो इन 10 सालों में अगर हम कुछ दो तीन प्रमुख कार्यों की बात करें तो कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिनको आप सिरमौर के लिए मील का पत्थर मान? देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ युवाओं के लिए, युवाओं को हम तो चाहते थे कि उनको नौकरियाँ मिले, लेकिन जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तो नौकरियाँ ढंग से कसके मिल पाएंगी। तो हमने पहले उनको शिक्षा देने का काम करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, फिर उसके बाद अपना, जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने उसमें काम किया है, तो उन दोनों चीज़ों में हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में देखिए, जब हमारा यूथ डेवलप हो जाएगा तो अपने आप वो एस्टैब्लिश अपने आप को करेगा। अभी धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा बहुत हमारी, क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, हमारी धान, हमारा गेहूँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स डालने की कोशिश करेंगे, डेयरी के यहाँ पर यूनिट्स डालने की कोशिश करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे खुलती जाएंगी। गहौरा क्षेत्र को लेकर के एक बात है कि उसका नाम गुलाबगंज किया गया था, लेकिन कागजों में अभी भी गुलाबगंज है और एक तरीके से कहा गया है कि उसको डभौरा फिर से कर दिया गया है। लोगों में इस चीज़ को लेकर के निराशा है क्या, स्पष्टीकरण? देखिए, उसमें अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, वो कलेक्टर का ऑर्डर था, लेकिन वो नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता है तब तक वो पूरा नहीं होता है, उसको हम लोग रुकवा दिया है। जब नोटिफिकेशन नहीं होगा तो कहाँ से नाम प्रमाणित होगा? मतलब वो आश्वस्त हो जाए कि जो तो डभौरा का नाम डभौरा ही रहेगा, अभी फिलहाल तो वही है बिल्कुल भी। और कुछ संदेश, और आगामी विधानसभा में अगर आप जीत करके आते हो तो कौन से मुख्य कार्य रहेंगे जिसके द्वारा सिरमौर का विकास बेहतर हो? जैसा कि हम चाह रहे थे कि यहाँ पर और एजुकेशन और अच्छा बनाया जाए, डभौरा में एक गर्ल्स कॉलेज हम लोग अगली बार ट्राई करेंगे। दूसरा, हमारी सिंचाई की जो योजना डभौरा के आसपास नहीं पहुँच पाई वहाँ पर देना है हमको। अभी और अच्छे से अस्पतालों की सुविधाएँ बनानी है, हॉस्पिटल तो खुल गया है, थोड़ा सा अभी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टर यहाँ पर आ जाएँ। साथ में डभौरा बैकुंठपुर में भी अच्छे अस्पताल और हम खुलवा दें सिविल अस्पताल, तो ये सब चीज़ें हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये भी हमें क्षेत्र में मिला कि गर्ल्स कॉलेज की मांग छात्राओं की है, और मुझे लगता है कि आपकी इस बात के बाद जो है तो वो आश्वस्त होंगी कि उनकी शिक्षा के लिए बेहतर प्रबंध। देखिए, अभी दो पंचवर्षीय में मैंने हर साल हर पंचवर्षीय में एक कॉलेज खुलवाया है, तो निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री से पूरे तरीके से मैं आश्वस्त हूँ कि मैं अगली बार जब जाऊँगा तो एक और मेरे को कॉलेज प्राप्त हो जाएगा। सिरमौर में नहर नहीं आई है, माइनर नहर की मांग उठ रही है, वो भी काम सिरमौर में। भैया, हमने माइक्रो इरिगेशन की हमने योजना स्वीकृत करा दी है, काम जल्दी चालू हो जाएगा। बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक जी, जिन्होंने 10 वर्षों के अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ ही आगामी जो 5 वर्ष होने वाले हैं उनको लेकर के भी अपनी कार्य योजना बताई। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।